सर, और हम अपना एक्सपीरियंस बोलते हैं। हम लोग जब एडमिशन किए थे तो उस समय ऑनलाइन से एडमिशन हुआ था, तो पता ही नहीं था कि कॉलेज होता कैसा है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो मैम बोलते थे कि कॉलेज में जाना तो सब चीज़ करना, ये करना वो करना, अभी पढ़ाई पे फोकस करो। तो हम लोग शायद कॉलेज पता नहीं कैसा होता, लेकिन हम लोग का एक साल इसी तरह ऑनलाइन में ही चला गया। फिर उसके बाद जब थर्ड सेम में आए, फिर फोर्थ सेम से ऑफलाइन हम लोग का क्लासेस स्टार्ट हुआ। तो हम लोग सोचते थे कि मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़े हैं कि कॉलेज में, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई मतलब पढ़ाई होता ही नहीं है, मुश्किल से एक मंथ दो मंथ होता है, लेकिन हम लोग का कॉलेज इस तरह है कि यहाँ पे छुट्टी तो उतना मिलता ही नहीं है, मतलब पढ़ाई बहुत ज़्यादा ही होता है। लेकिन एक तरफ से हम लोग का ठीक है, मतलब अगर हम लोग अपने टारगेट पर फोकस करें तो ये मतलब ग्रूमिंग एरिया है, तो ग्रूमिंग एरिया में हम लोग को ज़्यादा आगे मतलब नहीं जाना चाहिए, एक अपने ऊपर कंट्रोल करके रखना चाहिए, जिससे हम लोग एक अपना टारगेट को आगे लेकर के अचीव कर पाए। तो ये कॉलेज गर्ल्स के लिए अफोर्ड पढ़ाई मतलब पढ़ाई के पर्पज से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते एक प्रॉपर वे में। एक ऐसा मत नहीं कि सिर्फ हम लोग पढ़ाई करते हैं, यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे सर सेमिनार कराते हैं या और कहीं पर भी हम लोग को बोलने का मौका मिलता है, या एनएसएस करते हैं तो उससे हम लोग किस तरह हम लोग बोल पाते हैं सबके सामने, और किस तरह हम लोग अपनी बातों को कितनी अच्छी तरीके से रख पाते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग को यहाँ पे बिल्डअप हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग को ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कि हम लोग तीन साल में अब हम लोग छोड़ करके जा रहे हैं। सर जैसा हम लोग को हमेशा मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कि आगे बढ़ो, आगे हम लोग के लिए मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम लोग का कॉलेज खत्म हो गया तो हम लोग का लाइफ भी खत्म हो जा रहा है, नहीं, एक नया अपॉर्चुनिटी हम लोग के सामने एक रास्ता खुल रहा है, तो हम लोग अब उस पर फोकस करना चाहिए कि हम लोग इससे आगे कैसे वहाँ पे जा सकते हैं। और मेरी फ्रेंड लोग तो उतनी थी नहीं, लेकिन हाँ सारी जो मेरी क्लासमेट थी वो एक से एक बड़ी फ्रेंड थी, किसी से भी कुछ भी मांगो वो हमेशा ही मदद करती थी। और फ्रेंड लोग तो हमेशा चेंज होते ही रहता है, ऐसा बात नहीं कि एक पर्टिकुलर फ्रेंड लेंगे तो उसी के साथ चलना है, तो हम लोग एक फ्रेंड के ऊपर बोली, लेकिन हम लोग अपना जो टारगेट है कम से कम उसको हम लोग को पता करना है। और यहाँ पे ये कॉलेज में ये भी है कि मतलब हम लोग को किस तरह आगे बढ़ना है, सर लोग मैम लोग सब लोग हम लोग को बताते हैं कि देखो इसके बाद एमए करोगी तो इस तरह करना पड़ेगा, तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो तुम जनरल कॉम्पिटेटिव दे दो या बीएड भी कर लो तो तुम ये है, लेकिन अपने पैर पे किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, इंडिपेंडेंट बन के रहो। तो यहाँ पे हम एक इस तरह से मॉरल रूप से हम लोग को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, जो हर कॉलेज में हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि ये कॉलेज अच्छी मतलब अच्छी है और सबसे बेस्ट है, और कहीं पे भी हम लोग जाएंगे तो हम लोग का किस तरह से हम लोग बात करते हैं, हमारा क्या मतलब ओपिनियन है हर चीज़ के बारे में, वो वहाँ पे हम लोग को ये सब जानने को मिलेगा। तो सर मैम लोग बोलते हैं मतलब बोलेंगे कि चलो एक अच्छी तरह से मतलब एक तो पढ़ाई की तरफ से भी अच्छे बने और मतलब मॉडली भी हम लोग अच्छे बन रहे हैं और अपने टारगेट को अचीव करें। थैंक यू सो मच।